नमस्कार, आदाब, राम राम, सलाम। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे बड़ा सवाल के साथ हम आज गोपालगंज से एक पहले यह वीएम फील्ड कहलाता है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार जरा घुमा दें चारों तरफ, वीएम फील्ड का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्यों हम इस फील्ड को लेकर के आज बात करने के लिए इच्छुक हो गए हैं और क्या मेन वजह है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में बच्चों के भविष्य को लेकर कौन चिंतित है और कौन क्या कर रहा है, इससे आप भी वाकिफ हैं। आखिरकार बच्चों के भविष्य को कैसे संवारा जाए, कैसे उज्ज्वल बनाया जाए, इसको लेकर लगातार बातचीत होती है, कागजिया कार्रवाई भी हो जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होता है। देखिए, यहाँ पर कुछ हमारे साथ बच्चे हैं। इस ग्राउंड को लेकर के हमने पहले ही कहा कि एक नज़ारा आप देख लीजिए। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज इस जिले के जिला अधिकारी यानी प्रशासन और पत्रकारों के बीच इसी ग्राउंड पर एक मैच हुआ। इससे पहले लगातार इस ग्राउंड को सुदृढ़ यानी विधिवत ढंग से बनाने को लेकर के कवायद लगातार चलती रही है। बच्चों की तरफ से आवेदन दिए जाते रहे हैं, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। और आज इसी ग्राउंड पर खेलने के लिए मजबूर हो गया गोपालगंज का प्रशासन भी और गोपालगंज के पत्रकार बंधु भी, बावजूद इसके क्या इसके खाका में बदलाव आता है या नहीं। देखिए, सबसे पहले हम समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से लेकर बड़े खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम आप ही से शुरुआत करते हैं, क्या समस्याएँ हैं जिससे आप डीएम साहब को अवगत कराना चाहिए। सबसे पहले यहाँ का समस्या है जी, यहाँ पे एक फील्ड खेलने के लिए उचित नहीं है किसी भी बच्चों के लिए। और उसके बाद दिन भर यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है फील्ड में, ग्राउंड में, और वहाँ पे अवैध यहाँ पे गाड़ी घुसा दिया जाता है फील्ड में, जिसके कारण सारी फील्ड बर्बाद हो जाती है। वहाँ पे कचरा फेंक दिया जाता है, दो जगह कचरा फेंका जाता है, एक कॉर्नर पे, जिससे यहाँ का वातावरण उतना शुद्ध नहीं रहता है। ये सब हम लोग बच्चे अपने से साफ करके यहाँ पे खेलने जाते हैं, अथी करते हैं। हम लोगों ने एक नहीं दो बार इससे पूर्व जो जिला अधिकारी थे उनको भी हमने दिया था, और हमारे कोच राजीव रंजन ने 12 दिन पहले एक और एथी दिया था आवेदन जो फील्ड को लेके। अच्छा, मौजूदा जिला अधिकारी को भी आपने दिया था? हाँ, मौजूदा जिला अधिकारी को भी हमारे कोच साहब ने दिया था। इसके बावजूद भी फील्ड का कायाकल्प नहीं पलटा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज आप लोगों ने खुद देखा, आज प्रशासन और पुलिस के बीच मैच था, तो प्रशासन और पत्रकारों के बीच मैच था, तो आपने खुद इसके अलावा ग्राउंड पर क्या ये ऐसे ही गड्ढे पड़े रहते हैं या इसको लेकर के भी कभी कोई कार्य होता है? कुछ नहीं होता है सर, हम लोग अपने से कॉन्ट्रीब्यूट। नेताओं के पास आप लोग क्यों नहीं जाते? गए हुए थे लोग, नेता सुनने को, कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है। सब कोई कंट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं? हम लोग सब कोई कंट्रीब्यूट करके अपना। कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाओगे? घर से मांग के लाता है, 100 रुपया, 150 रुपया। तेज बोलो। सब कोई घर से मांग के 100 रुपया, 50 रुपया करके ऐसे लेबर करके हम लोग अपने से खुद से ये टर्फ विकेट अपने से बना के तैयार किया गया है। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कुछ उपलब्ध नहीं, यहाँ पे कई अधिकारी पैसा आता है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हम लोग खुद से अपना। अब जरा आप सोचिए, इसी फील्ड पर खेलने के लिए प्रशासन भी मजबूर है क्योंकि शहर में दूसरा कोई वैसा फील्ड नहीं है। आखिरकार शहर के बच्चे कहाँ जाए? वीएम फील्ड के नाम पर काफ़ी चर्चित यह मैदान है। देखिए, ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये नन्हा मुन्हा हमारे देश के सिपाही हैं, भविष्य हैं। आगे चलकर क्या पता ये सचिन तेंदुलकर बन जाए, हाइट के हिसाब से बोल रहे हैं, ये विराट कोहली बन जाए, इसके कला के हिसाब से बोल रहे हैं ना, ठीक बोल रहे हैं जी? तो डीएम साहब से नहीं मिले? नहीं, उस समय हम स्कूल गए थे। स्कूल गए थे, होते तो क्या करते? अच्छी फील्ड की मांग करते जी, गड्ढा भरवा लेते जी, भर देते वो न, वो से मांग करते, वो भरते, मांग करता। बच्चा इतना होनहार है, मांग जरूर करता। और समस्या बताओ। और समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं इस ग्राउंड की, जैसे आप भी हालत देख रहे हैं, ग्राउंड की खस्ता पड़ा है, पूरा गड्ढा पड़ा है, पार्किंग इधर उधर से ला के सब करते रहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ छुड़ाबाजी बहुत चलता है, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है ग्राउंड अभी। तो मतलब क्या आप लोग चाहते हैं कि जितने भी एंट्रेंस हैं उन सारे एंट्रेंस पर, मतलब जो भी आने का जो दीवारें तोड़ दी गई हैं कहीं कहीं से, उन सबको बंद करा दिया जाए? हाँ हाँ, उन सबको बंद करा के, और इसको मैदान को मैदान रहने दिया जाए, कूड़ादान ना बनाया जाए, कूड़ादान ना बनाया दिया जाए। सबसे पहले यहाँ का गेट लगा दिया जाए ताकि अवैध गाड़ी ना घुसे। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे लोग अंदर ट्रक घुसा के अपना माल उतरवाते हैं, जिसके कारण गड्ढा हो जाता है। अच्छा, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, लोग अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे उस कॉर्नर पे तोड़ दिए हैं सिर्फ ये अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा, ये सिनेमा बना पड़ा है, थोड़ा सा बहुत दिख रहा है इसके नीचे, सिर्फ नशेड़ी ही रहते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए बनाया गया? हाँ, वो नशेड़ी के लिए बनाया गया। प्रशासन ने एक अच्छा काम किया है, अपने जाके, अब आप खुद आए हुए हैं, आप जाके एक बार अंदर घूम के आइए, आपको जाने का मन नहीं करेगा। अंदर सामने से अंदर देखिए, दारू नशा वहाँ पे बोतल खुद दिखाई दे रहा है अंदर सब।
ये तमाम परेशानियां हैं जिससे डीएम साहब को भी अवगत कराया गया। अवगत कराने कौन गया था, आवेदन लेकर कौन गया था? हमारे कोच राजीव रंजन सर गए थे। कहाँ है वो जी? कहाँ है? अच्छा आपका नाम है, कोई बात नहीं, आप लगातार आवेदन देते रहे हैं जी। ये बच्चों को लेकर के क्या समस्याएं होती है? यहाँ पहले भी हम लोग, इसके पहले जो पूर्व डीएम थे उनको भी मैंने अवगत कराया था ग्राउंड के बारे में। अभी जो तत्काल है उनको भी मैंने एप्लीकेशन दे चुका है 12-13 दिन पहले उनको। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ जो अधिकारी भी हैं, खेल अधिकारी भी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है ग्राउंड होगा नहीं होगा। हमारे स्थानीय विधायक के पास भी हम लोग आए हैं, बुला के मिलते नहीं हैं। अच्छा, विधायक जी बुला कर मिलते ही नहीं है? जो कि ग्राउंड के अध्यक्ष हैं। अच्छा, सदर विधायक हमारे सुभाष सिंह। अच्छा, अभी मंत्री भी बना दिए गए हैं? अभी तो मंत्री हैं, तो अभी और अब तो और नहीं दिखेंगे। सर का बुलाएंगे भी नहीं, हो सकता है सर का दुर्भाग्य है। फिर से जीत भी गए, ग्राउंड देख ही रहे हैं आप। मतलब आप ये कहते हैं कि ग्राउंड में ना कहीं से जो भी बजट आता है सरकार का वो ऊपर ऊपर हवा हवाई हो जाता है, कहीं कोई काम नहीं होता जी। अभी हालिया जो आपके जिला अधिकारी हैं इनसे भी मुलाकात हुई जी? उनका आज आप उन्हीं के खेल के, आप आज उन्हीं के खेल के एम्पायर भी बने थे जी। उनका आज मैच चल रहा था। किसका भविष्य से संवार रहे हैं जिला अधिकारी? कहाँ इंडियन टीम में जाएंगे? नहीं, बच्चे जाएंगे ना, वो तो फैंसी मैच खेल रहे थे, उनको अवगत कराया गया। आज भी आप लोग के थ्रू अवगत कराया जाएगा। हम लोगों ने तो कवरेज किया ही, आपने किया है, लेकिन सवालों से, हाँ, सवालों से बौखला गए जी। आप थे साथ में जी? जी, यहाँ के देखिए, आपका जो एक संगत है वो प्रशासन के साथ भी अच्छा दिखता है, इम्पैक्ट दिखता है, पत्रकारों के साथ भी अच्छा दिखता है। बावजूद इसके इतना खस्ता हालत, बच्चों का भविष्य आप कैसे संवारेंगे? जिला में एकमात्र यही सबसे बड़ा ग्राउंड है गोपाल, जिला में, पूरा जिला में सबसे बड़ा, शहर में सबसे बड़ा ग्राउंड यही है। जो कि कुछ दिन पहले हमारे सदर एसडीओ साहब ने कहा था कि वे मिंज स्टेडियम, दूसरा जो ग्राउंड है मिंज स्टेडियम, उन्होंने कहा था कि उसमें फुटबॉल होगा, और ये जो वीएम जो फील्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम, इसको क्रिकेट के लिए कर दिया गया। ये पिछले 150 साल से ये चल रहा है ग्राउंड बनाने का, उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सारे पदाधिकारी के पास हम लोग घूम चुके हैं लाइन से, कोई नहीं सुनता, कोई मतलब नहीं है ग्राउंड से। आप जानते हैं हजारों बच्चे जा, क्या आप लोगों को पता है हजारों हजार करोड़ का बजट खेल के लिए आता है, जाता कहाँ है? कभी कोई सवाल नहीं पूछता क्या पत्रकार यहाँ का? ऐसे पत्रकारों से कोई मतलब नहीं है। हम भी यहीं के पत्रकार हैं, हो नहीं सकता कि पत्रकार सवाल नहीं पूछते होंगे, हो सकता है खबर ऐसे ही हवा में रह जाती होगी। नहीं, आप ग्राउंड में टाइम देख रहे हैं क्या स्थिति है? हाँ, वो तो हम देख रहे हैं, और किसी को पास टाइम नहीं है। आप पत्रकारों से क्यों नहीं मिलते ताकि आपके मुद्दे को वो लोग बुनियादी मुद्दा बना करके उठाएं? लगभग सारे पत्रकारों से मैंने कह चुका है पहले भी, कोई काम नहीं करता, कोई यहाँ कुछ नहीं है, यह खस्ता हालत है। हालांकि पत्रकार बंधु से ऐसा हो नहीं सकता है, उनकी जिम्मेदारी है, उन ये तमाम जिम्मेदारियों को निर्वहन जरूर करते होंगे। हो सकता है खबर हवा हवाई रह जाती होगी, कोई अधिकारी महोदय ध्यान नहीं देते होंगे। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार लगातार खेल के लिए भी हजारों हजार की बजट पास करती है, अगर नहीं भी करती है तो शिक्षा में इसको इंक्लूड करके जरूर पास कराया जाता है। और बावजूद इसके जिले का सबसे बड़ा फील्ड क्रिकेट के लिए बनाया गया है, और आज इस कदर बेबसी और लाचारी से फील्ड भी जूझ रहा है, इसे भी शर्म आ रही होगी कि हम कहां पर स्थापित हो गए हैं। हालांकि शहर के बच्चों का क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी प्रयास लगातार जारी रहेगी। हमने आज भी जब उद्घाटन करने डीएम साहब यहाँ पर आए थे तब भी हमने पूरे इस गतिविधि को कवर किया था, उनसे सवाल भी किया था। हो सकता है हमारे सवालों से प्रशासनिक विभाग को थोड़ी नाराजगी हो गई होगी, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मुद्दों को उठाते रहेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जगह कौन सी थी और आप क्या करने यहाँ पर आए थे। हमारा बस मुद्दा इतना है कि सवाल है हमारे पास और जवाबदेही आपके ऊपर बनता है, तो आप आइए सामने जवाब दीजिए, और जवाब से ही काम नहीं चलेगा। हमारी कोशिश है, हमारी आपसे आग्रह है, विनती है कि बच्चों के भविष्य के बारे में आप भी जरा एक बार जरूर सोचिए और समझिए कि ये बच्चे किसके हैं। सिर्फ अगर हमारे होते तो हम चिल्लाकर थक जाते, ये बच्चे हम सभी के हैं, इसलिए हम सभी का यह दायित्व बनता है कि इनके भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जाए। खेलकूद कितना अहम है, जब महेंद्र सिंह धोनी धोनी बन गए तो बिहार और झारखंड में होड़ मच गई कि महेंद्र सिंह धोनी हमारे हैं तो हमारे हैं। आप उस स्थिति को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।